हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सर्दी खांसी और जुकाम को ठीक करने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आसान घरेलू उपाय जिसका आप सेवन करके आसानी से सर्दी खांसी और जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंड आ गया है, ठंड पड़ने लगा है तो सर्दी खांसी होना तो आम बात है। जी हाँ दोस्तों, सर्दी खांसी होना तो आम बात है, तो बार बार डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा आसान घरेलू उपाय बता रही हूँ, कुछ ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिसका आप सेवन करके आसानी से सर्दी खांसी और जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ये घरेलू उपाय है और इसका सेवन करके आप आसानी से सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 से 3 चम्मच देसी घी। जी हाँ दोस्तों, आपको देसी घी लेना है 2 से 3 चम्मच और लेना है काले मिर्च थोड़ी सी, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी सी तुलसी का पत्ता ले लें और अदरक, एक अदरक का गांठ ले लें और उसको अच्छी तरह से घीस ले। जी हाँ दोस्तों, अदरक को आपको अच्छी तरह से घीस लेना है और घी को गर्म पहले कर ले, उसके बाद उसमें तुलसी के पत्तों को आप डालें और अदरक को घीस कर डालें और काली मिर्च को, और उसमें थोड़ी सी आप सेंधा नमक डाल दें। इन सभी को अच्छी तरह से गर्म करके, पूरा अच्छी तरह से गर्म करना है और इसको आपको खाना है, यानी कि इसका सेवन करना है। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार यदि दिन में आप करते हैं तो इससे खांसी में बहुत राहत होता है, बहुत जल्दी इससे खांसी ठीक हो जाता है और जुकाम सर्दी खांसी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये घरेलू उपाय बहुत ही आसान घरेलू उपाय है और इसका आप सेवन करके आसानी से सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घी हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ठंड के दिन में घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। घी हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो देसी घी का सेवन अवश्य करें और अदरक का, और इसमें आपको डालना है काली मिर्च और तुलसी के पत्ता और थोड़ी सी आपको डालनी है सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को आप अच्छी तरह से गर्म कर लें और इसका सेवन करें, इससे बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलेगी और इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि आप 2 से 3 दिन तक इसका लगातार सेवन करते हैं तो सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत ही आसान घरेलू उपाय है, इस घरेलू उपाय को यदि आप आजमाते हैं तो ठंड के दिनों में सर्दी खांसी से छुटकारा पाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो घरेलू उपाय बताई हूँ इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखेंगे, ठंड के दिनों में आपको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी फायदा मिलेगा और बहुत राहत होगा इसका सेवन करने से, और इससे शरीर भी गर्म रहता है और हेल्थ भी अच्छा रहेगा और ठंड लगने की संभावना भी कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अदरक गर्म होता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ठंड के दिनों में अदरक का सेवन करना काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अदरक का सेवन अवश्य करें। फ्रेंड्स, यदि आपको खांसी ज़्यादा हो रहा है तो आप सिर्फ, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, इस उपाय को आप नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ आप अदरक ले लें और अदरक को अच्छी तरह से घिस लें और उसका आप जूस निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, अदरक को घिस कर आपको अच्छी तरह से उसका जूस निकाल लेना है और उसमें आपको थोड़ी सी काले मिर्च को कूट कर डालना है और थोड़ी सी सेंधा नमक, और इसको आप चाहे तो गर्म कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, गर्म कर लें या ऐसे भी इसको आप पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस यदि ऐसा उपाय को आप करते हैं, इसे करते हैं तो इससे भी बहुत जल्दी खांसी दूर हो जाता है। अदरक खांसी को ठीक करने का बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही रामबाण घरेलू उपाय है जो खांसी को बहुत जल्दी दूर कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और खांसी को ठीक कर सकते हैं, और अदरक का रस पीने से सेहत भी अच्छा होगा और आपका शरीर गर्म रहेगा, तो ठंड लगने की संभावना कम हो जाएगी, आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी घरेलू नुस्खा बताई हूँ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ठंड के मौसम में सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।